इंडिया से दूर स्वयंवर करके सलमान तलाश रहे हैं अपनी दुल्हन। दुबई से सलमान के कारनामे की खबर बढ़ाना दे मैडम इंडिया की टेंशन। सुनो सुनो सुनो, मशीन चाक लेकर आई हैं सालों से शादी की बात को टालने वाले एवर बैचलर सलमान के खुफिया स्वयंवर की वो कहानी जिसे सुनकर भाईजान के हर फैन को होगी जबरदस्त हैरानी। एज यू ऑल नो, सलमान खान है बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर। 50 प्लस सुल्तान से शादी करने के लिए लड़कियां आज भी हैं बेकरार, लेकिन वो बात अलग है कि भाईजान कई बार इस बात का कर चुके हैं ऐलान कि वो नहीं चाहते हैं शादी करके होना बर्बाद। वैसे तो दबंग खान शादी के सवालों से काट लेते हैं कन्नी, जैसे ही शादी का नाम कोई बॉलीवुड के टाइगर के सामने लेता है तो पता नहीं क्यों बढ़ जाता है दबंग का बीपी। लेकिन 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 इंडिया से दूर जाते ही शादी से भागने वाले भाईजान इस बार हो गए हैं मजबूर। जब सलमान से शादी करने को तैयार हो गई चार चार लड़कियां इन द बैंक टू, ऑडियंस में खड़ी लड़कियों को शो के होस्ट मनीष पॉल ने स्टेज पर बुलाकर की सलमान की शादी के लिए बात, तो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लड़कियों ने बना लिया मसरूर खान को प्रपोज करने का प्लान। अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना हो या फिर द बैंक टूर, शादी को इनकाश करना सलमान जानते हैं भरपूर। तभी तो हर साल भी द बैंक टूर में भाईजान रचा देते हैं शादी का खेल। एज इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर कि सलमान भले ही कटरीना और यूलिया के बीच वेडिंग वाले डिसीजन को लेकर बार बार हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन अपनी इस कंफ्यूजन को मिस्टर खान हर प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन और एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं यूज।